पूछना है। मैम सर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सीए एंड द इम्प्लीमेंटेशन, यू सी नाउ द रूल्स हैव बीन गिवन, आर यू सेइंग यू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड फाइल अ केस? आवर केस इज ऑलरेडी इन सुप्रीम कोर्ट। व्हेन द लास्ट टाइम व्हेन द सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग दिस मैटर, द गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया सेड दैट वी हैव नॉट येट मेड द रूल्स, वी आर आस्क्ड फॉर अ स्टे, द वेरियस पार्टीज हैव आस्क्ड फॉर अ स्टे, नाउ व्हेन द रूल्स हैव बीन मेड, वी विल डेफिनेटली वंस अगेन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। And I have contacted my and spoken to my lawyer, Janab Nizam Pasha, and advocate on record, Janab Shamshad Saab also. Sir, please. Ah, bolo. Isme ye log keh rahe hai ki it will be completely online aur kuch bhi paperwork isme nahi hoga. It will be completely online and it will not take away anyone's citizenship is what. आप लोग, मैं आपको देश को समझा रहा हूँ कि सी डबल ए को आप सिर्फ सी डबल ए से नहीं, सी डबल ए को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओबीसीजी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा जब सीए भी था, बाद में सी डबल ए हुआ, एक्ट हो गया वो, जब सी ए बी बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो एनआरसी हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो एनआरसी हुआ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के सी डबल ए के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे सी डबल ए में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है बताओ मेरे को आप? यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लिया है उसको आप देश में करना चाहते हैं। जिस देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, इस देश में बर्थ सर्टिफिकेट का कानून 1959 तक नहीं था। 1996 में सरकार ने कहा कि सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। ये फ्यूचर में सब तमाशे करना चाहते हैं। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपका यही मकसद है। और बुनियादी फंडामेंटल बात यह है कि आप मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। और हम पूछ रहे हैं कश्मीरी पंडित जो 5 लाख बाहर है कश्मीर, उनका बारे में कौन बात करेगा?